वेलकम टू रश्मि राजूरांस चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं वन एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज रिसर्च। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसर्च? द टर्म रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चियर। इन दैट री मीन्स वंस अगेन और अन्यू, सर्च मीन्स टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन। सो द टर्म रिसर्च, ये एक फ्रेंच वर्ड रिसर्चर से डिराइव्ड हुआ है। री मीन्स वंस अगेन, मीन्स फिर से करना। सर्च मीन्स टू लुक आफ्टर इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन की तलाश करना। अगर हम रिसर्च को डिफाइन करें तो इट विल बी, रिसर्च इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन फैक्ट्स। It is an activity involved in seeking answers to unanswered questions. It means research एक systematic and scientific process है जिसमें facts and problems related हम questions के answers find out करते हैं and वही facts and problems के बीच में relationships भी find out करते हैं। Generally facts and problems के ऐसे questions जो अभी तक unanswered है, जिसका कोई जवाब नहीं, right? ऐसे आंसर्स को रिसर्च एक्टिविटी से फाइंड आउट किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय नर्सिंग रिसर्च। सो नर्सिंग रिसर्च इज अ वे टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली। सो नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस, उसे भी इम्प्रूव करने के लिए नर्सिंग रिसर्च किया जाता है। और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका किस तरीके से इफेक्टिवली हम यूज़ करें, राइट, इसीलिए नर्सिंग रिसर्च किया जाता है। नर्सिंग रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसके पर्पसेस क्या है? What are the purposes of nursing research? Nursing research के हेतु क्या है? Profession को upgrade करने के लिए how it is helping? Nursing research develop, refine and extend the scientific base of knowledge which is required for quality nursing care, education and administration. It means nursing research nursing profession के knowledge को साइंटिफिकली डेवलप करता है, रिफाइन करता है और उसे बढ़ाता है, जो क्वालिटी नर्सिंग केयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नर्सिंग एजुकेशन देने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट एनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग। इसका मतलब है रिसर्च के थ्रू ओवरऑल जो नर्सिंग प्रोफेशन का नॉलेज है वो भी अपग्रेड होता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। मीन्स इन मॉडर्न सिनेरियो जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस रहती है वो एविडेंस बेस्ड रहती है इन अ साइंटिफिक मैनर, तो रिसर्च इसका फाउंडेशन क्रिएट करने में बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। इट मीन्स नर्सिंग प्रोफेशन की कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए जो बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए उसे भी ये रिसर्च बढ़ाता है। नेक्स्ट, इट एनहेंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। इट मीन्स किसी भी प्रोफेशन के लिए रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे वो प्रोफेशन डेवलप होता है, अपना नॉलेज बढ़ाता है और प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी मिलती है। नेक्स्ट, इट डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन विच विल हेल्प नर्सेज टू आइडेंटिफाई बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। इट मीन्स रिसर्च नर्सिंग प्रोफेशन के पैरामीटर्स को भी डिफाइन करता है जिससे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को हेल्प मिलती है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट, इट रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज सो दैट इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ नर्सिंग एक्शंस that have no effect on the achievement of desired rare outcomes. It means research nursing profession ke knowledge ko, right, jo purana knowledge hai use refine karta hai, check karta hai, analysis karta hai
और जो नए गोल्स हैं हमारे अचीवमेंट के, उसको अचीव करने के लिए, राइट, जो भी नॉलेज इफेक्टिव नहीं है उसे एलिमिनेट करने में भी मदद करता है. नेक्स्ट, इट आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस दैट मेक्स अ डिफरेंस इन हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव. इट मीन्स रिसर्च ऐसे नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करता है जिससे पेशेंट्स की हेल्थ में बेनिफिट होता है एंड वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है केयर, बिकॉज वी आर नोइंग कि मेडिकल केयर थोड़ी कॉस्टली रहती है, तो पेशेंट के लिए कैसे बैलेंस करना है ये भी रिसर्च से फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट, इट डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स. इट मीन्स नर्सिंग प्रोफेशन की नई नई थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स भी रिसर्च डेवलप एंड रिफाइन करता है. नेक्स्ट, इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स और आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन. इट मीन्स नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस के हो, नर्सिंग एजुकेशन के हो, या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के हो, या एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, राइट, तो इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसे भी सॉल्व करता है रिसर्च. सो इससे हमें पता चलता है नर्सिंग रिसर्च का नर्सिंग प्रोफेशन में क्या पर्पस है. ओवरऑल इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल प्रोफेशन.